राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला दीवान झिटिया नामक गांव का है, जहां शिवकुमार यादव नाम के एक व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर शिवकुमार यादव का परिवार सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान शिवकुमार यादव ने बताया कि मेरी जमीन जो मेरे पिताजी की दी हुई है, उसको गांव वाले रास्ते के नाम पर विवाद कर रहे हैं। इसके साथ ही गांव के बड़े बुजुर्गों ने 5,000 अर्थदंड लगाकर उससे बात करने या उसके खेत में काम करने के लिए पूरे गांव को मना कर दिया है, जिसके चलते अब पीड़ित शिवकुमार को वादी परेशानी हो गई है। साथ ही शिवकुमार यादव का खेत में धान तैयार हो गया है और धान काटने कोई नहीं आ रहा है। इसी के चलते शिवकुमार यादव ने प्रशासन से मदद की मांग की है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। मेरा एक छोटा सा जमीन है जिसमें मैं खेती किसानी करता हूँ। मेरा पिताजी मेरे को बंटवारा हुए, हम दो भाई हैं, दोनों भाई में बंटवारा हुए हैं, तो उसमें से हमें एक छोटा सा टुकड़ा मिला है और उस टुकड़े में किसी का रास्ता वास्ता कुछ नहीं था। और गाँव वाले का कहना है कि इसमें रास्ता है ऐसे करके, तो उसका रास्ता तो साइड में है, साइड से जाना पड़ता है। तो इन लोग मेरे ऊपर दबाव डाल के मेरे को बोल रहे हैं कि अपना जगह को रास्ता हमें दो ऐसे करके, तो मैं बोला कि नहीं करके। गांव में फिर मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद में फिर मेरे को अर्थ दंड लगा दिए। तो अर्थ दंड लगाए तो मैं बोला कि मैं क्यों बात दूँ भाई, मेरे ज़मीन है तो मैं क्यों अर्थ दंड दूँ, ऐसे करके मैं गाँव वाले से बोला। तो गाँव वाले बोले नहीं, अगर आप नहीं दोगे तो आपको गाँव से बहिष्कार किया जाएगा, ऐसे करके मेरे को गाँव से बहिष्कार कर दिया।